जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो 529 पदों के लिए तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर एवं सामुदायिक संगठक के जो 529 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो यह भर्ती परीक्षा है, इससे संबंधित आपके बहुत सारे डाउट हैं। जैसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो डाउट है, इसके सिलेबस से संबंधित है। अभी तक इसका सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है। इसका जो सिलेबस है यह 65, 20 और 15 अंकों में डिवाइड है, ठीक है। तो ये जो 65 अंकों वाला जो पार्ट है, 65 अंकों का सिलेबस है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या यहाँ से पूछा जाएगा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले यहाँ पर हम सिलेबस को क्लियर करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर तकनीकी विशेषज्ञ और सामुदायिक संगठक के जो दो प्रकार के जो यहाँ पर पद हैं, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपको पढ़ना होगा, किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछ जाएंगे, 65 अंकों की तैयारी आपको कैसे करनी है, ठीक है। इसके अलावा इसका एग्जाम कब तक रहेगा, इसकी लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ जो एक और जो डाउट था, इसका नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था आप लोगों को, नोटिफिकेशन कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके फॉर्म फिलअप आपको कहाँ से करने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको आ जाना है यहाँ पर mponline.gov.in, जो mponline का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर आपको आ जाना है। एक बार बैक करते हैं इसको, ये आप देख सकते हैं ये होम पेज है यहाँ पर, और यहाँ पर ही आपको नवीनतम सूचनाओं में देखने को मिल जाता है डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक हियर पर, ठीक है। जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप स्विच हो जाएंगे जो दीनदयाल अंत्योदय योजना का जो यहाँ पर पेज है, इस पर आप स्विच हो जाएंगे और यहाँ से आप आवेदन भी कर सकते हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सेवाओं पर क्लिक करेंगे, और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम डेस्कटॉप साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन संबंधी सामान्य दिशा निर्देश देखने के लिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, और इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं दो प्रकार के पद हैं, तकनीकी विशेषज्ञ सामुदायिक संगठक के, ठीक है। तकनीकी विशेषज्ञ के अंतर्गत सिटी मिशन मैनेजर का यह पद है, और ये जो है सामुदायिक संगठक, ठीक है। तो एक बार फिर से हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में आपसे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि सिलेबस में जो आपसे पूछा जाएगा, 65 अंकों के विज्ञप्तित पदों से संबंधित विषय में अधिकतम 65 अंक होंगे, और 15 अंक आपके कंप्यूटर तथा शेष 20 अंक आपके जो रहेंगे वो आपके रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर भी रहेगी 20 अंकों में, और आपका जीए वाला सेक्शन भी यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोस्तों 15 और 20 अंकों का सिलेबस तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है, रह जाता है मुख्य 65 अंकों का सिलेबस। 65 अंकों में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं एक बार फिर से यहाँ पर चलते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता के ऊपर, और देखते हैं कि विज्ञप्तित जो पद हैं उसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगी गई है। तो तकनीकी विशेषज्ञ, देखिए यूट्यूब पर बहुत सारी आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन इसका सिलेबस अभी डिफाइन नहीं है। यहाँ पर सिलेबस इन्होंने नहीं बताया है कि आखिर क्या पूछा जाएगा 65 अंकों में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस पूछा जाएगा उसे हम समझ सकते हैं कि 65 अंकों में क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले हमें शैक्षणिक योग्यता देखनी होगी। मास्टर ऑफ सोशल वर्क यहाँ पर आपकी रहेगी तकनीकी विशेषज्ञ के लिए, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट्स, जिसमें यदि आपने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से यदि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन है किया है आर्ट्स में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका इसमें रहेगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब MBA यदि आपने किया है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ DCA और PGTCA कंपलसरी है, इसमें तीन में से कोई भी योग्यता आपके पास है, DCA और PGTCA आपको यहाँ पर यदि आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि विज्ञप्तित पदों से संबंधित यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है उससे रिलेटेड ही यहाँ पर 65 अंकों का आपका सिलेबस रहेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर ये जो सोशल वर्क और समाजशास्त्र है, ठीक है। तो सोशल वर्क और समाजशास्त्र
से यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेंगे आपके लगभग सेम क्वेश्चन रहने वाले हैं, अर्थशास्त्र और एमबीए के भी लगभग सेम क्वेश्चन ही यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो 65 अंकों में आपको क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पढ़ना है। ये जो 65 अंक से आपके जो 65 नंबर जो जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसमें आपको जो तकनीकी विशेषज्ञ, इसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि 65 अंकों के लिए हमें क्या पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़नी है, समाजशास्त्र पढ़नी है, क्योंकि सोशल वर्क्स ये समाजशास्त्र से ही संबंधित सब्जेक्ट है और जो अर्थशास्त्र और एमबीए तो ये एक दूसरे संबंधित सब्जेक्ट है, इसलिए आपको अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रही दोस्तों यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की और सिलेबस की बात, सामुदायिक संगठक की बात करते हैं। तो सामुदायिक संगठक में जो आपके 65 अंकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके देखिए मिले जुले क्वेश्चन होंगे। आप यहाँ पर जो इसकी शैक्षणिक अर्हता है, या किसी भी शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, चाहे आप ने इंजीनियरिंग क्या हो, आप किसी भी प्रकार से ग्रेजुएट हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं सामुदायिक संगठक के लिए। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछाएंगे, ये हर सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछाएंगे 65 अंकों में, ठीक है। यहाँ पर आपके कॉमर्स से भी क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन होंगे, आपके बिजनेस से भी क्वेश्चन होंगे, मैथ्स और इसमें केमिस्ट्री वगैरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता है ये सभी के लिए है, इसलिए इसमें सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जो तैयारी है वो आपको चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, बहुत जल्द आपको यहाँ पर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी और इन 65 अंकों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ पर जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, जो ये सिलेबस है ये तो आपका लगभग से क्लियर हो चुका होगा। बात करते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है। अभी तो जो फॉर्म है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो 27 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हैं। तो बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की, तो लगभग एक मंथ के अंदर, विद इन एक मंथ में इसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा और एग्ज़ाम डेट बता दी जाएगी। जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट आती है, वैसे ही आपको चैनल पर वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट आती है। बात करते हैं दोस्तों मानदेय की, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो कितना आपको मिलेगा। तो इसमें तकनीकी विशेषज्ञ के लिए 30,000 रुपये आपको मिलेंगे, और यहाँ पर सामुदायिक संगठकों का जो मानदेय रहेगा यह 12,000 रुपये रहेगा, ठीक है। ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, यह संविदा कर्मियों संविदा भर्ती है, ठीक है। तो हो सकता है एक और यहाँ पर क्वेश्चन था, किसी ने पूछा था कि इससे ये इसमें रेगुलर किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार की जो भर्तियां होती हैं, इन्हें कालांतर में 2, 3, 4, 5 साल के बाद रेगुलर कर दिया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें रेगुलर किया जाए बाद में, और ये संविदा बेस्ड है लेकिन ये इसमें रेगुलर किया जा सकता है, ठीक है, नियमित किया जा सकता है ये। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा आपके जो तकनीकी विशेषज्ञ सिटी मिशन मैनेजर के लिए यहाँ पर 21 वर्ष न्यूनतम है, अधिकतम 35 वर्ष है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी एसटी ओबीसी और विकलांग हैं, तो आपको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा, इसमें आप 40 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और जो सामुदायिक संगठक हैं, इसमें न्यूनतम 21 वर्ष है, अधिकतम 30 वर्ष है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलेगा और 35 वर्ष तक आवेदन इसमें आप कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो आयु सीमा की गणना होगी, 1 जनवरी 2021 से होगी। 1 जनवरी 2021 को इस आयु, ये जो आयु है इसके पार नहीं होने चाहिए आप, और इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हुई दोस्तों आयु सीमा की बात। इसके बाद में और भी यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो सिलेक्शन होने के बाद दस्तावेजों का परीक्षण होगा, जिसमें आपके जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो आपके वेरीफाई किए जाएंगे। वहाँ पर परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहेंगे, तो परीक्षा केंद्र आपका रहेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर एवं सतना में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि परीक्षा केंद्र यहीं पर रहेंगे और इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। परीक्षा हेतु किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। और पूरे इसका जो लिंक है, इसका नोटिफिकेशन का लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और टेलीग्राम ग्रुप से भी, टेलीग्राम चैनल से भी आप यह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वहाँ से ये पूरी जानकारी ले सकते हैं और स्वयं इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आरक्षण तालिका है, सिटी मिशन मैनेजर के यहाँ पर जो पद हैं 69 पद हैं, पूरा रिजर्व है, 50% यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। तकनीकी सामुदायिक संगठक के यहाँ 660 पद हैं, इसमें भी 50% महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे, तो ये भी आप यहां से देख सकते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है कि सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे इस वीडियो से। यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो पसंद आई होगी डेफिनेटली, इतनी मेहनत की है तो वीडियो को लाइक तो आप करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ शेयर करना। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।